सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ये मैं आज से नहीं, आज शायद एक आरजेएस परिवार से हो रहा है, लेकिन इससे जुड़ाव हम लोगों का, मेरे परिवार का इसलिए है कि मुझे याद है कभी भी मैं जरा सा मेरे अंदर कोई एक नेगेटिव थॉट जगह भी लेता था तो सबसे पहले मेरे पिताजी मुझे ही कहते थे, नहीं से नो टू द एनी नेगेटिव थॉट, एकदम स्ट्रॉन्ग नो कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जो होगा अच्छा होगा। इस सोच के साथ मैं पला बढ़ा और आप लोगों के बीच हूँ, और ये सोच आज भी दिमाग में रहती है, और जब भी मैं अपने मरीज को देखता हूँ इसी सोच के साथ देखता हूँ। जब आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की बात हो रही थी तो लगा ये बिल्कुल हमारे सोच और जिस तरह से मुझे जो शिक्षा मिली है उसी से जुड़ी हुई बातें हैं। और मन्ना जी, आपको हम लोग हमेशा सुनते आए हैं, आप हमारे बिहार आए, पटना आए और खास करके हमारे परिसर में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपको सुनने की, आपको लाइव देखने की जो हम सब लोगों की इच्छा थी वो भी पूरी हो रही है। तो मैं गिव अ बिग हैंड टू जो हमारे नेशनल कन्वेनर है पॉजिटिव इंडिया मूवमेंट के, सकारात्मक भारत उदय के, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ पटना में। और हम सब लोग है ना, आपके आभारी है कि आप यहाँ है हमारे और हमारे बीच में श्री हरि अग्रवाल जी हैं, जो कि हमारे मारवाड़ी समाज के शिक्षा समिति के पूर्व अध्यक्ष रहे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको जरूरत है देश के प्रति सकारात्मक सोच रखने की, एनर्जी बहुत आती है। नकारात्मक व्यक्ति की एनर्जी जो है वो धीरे धीरे उसके शरीर को खा जाती है, इसलिए सकारात्मक बनिए। राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, विश्व एक घर, यही संदेश ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी की बैठक से निकला, सभी ने शपथ ली है, ये बड़ी बात है। और बिहार में 10 बैठकों का लक्ष्य है, जिसमें से कि 16 अप्रैल को 2022 में आपके पालिका विनायक हॉस्पिटल जो कंकड़बाग में है वहाँ पर ये बैठक हुई है, हम लोग वहाँ पे उपस्थित हैं। और 17 अप्रैल को अशोकपुरी बेली रोड खाजपुरा में बैठक होगी सुबह 8 बजे से 10 बजे, उसमें सभी आमंत्रित हैं आप लोग। और 18 तारीख को कदमकुआ में बैठक होगी। तो इस तरह से इसके बाद भी और भी बैठकें तय हो रही है। बिहार आर्ट थिएटर में बैठक है जिसमें कला रंगमंच के बारे में बातचीत की जाएगी। तो ये छोटी छोटी बैठकें जो है, जो हम समय देते हैं, वो हमारे अंदर पॉजिटिविटी भरती है। उसका रिजल्ट एकदम से नहीं मिलता है, लेकिन जो अचेतन मन होता है, जब हम सोते हैं तो हमारा मन जो है अचेतन में चला जाता है, वहाँ ये काम करता है। जो हम दिन भर सोचते हैं तो अच्छी अच्छी सोच लेकर अगर दिन भर हम काम करेंगे तो वो रात को इनलार्ज हो जाता है, लार्जर देन लाइफ हो जाता है। तो दिन भर अगर नेगेटिविटी में आप रहते हैं या सोचते हैं तो फिर वो रात में क्या है, वो इनलार्ज हो जाता है, तो पूरे बॉडी में पॉइजन भर जाता है। इसीलिए सदा मुस्कान के साथ खुश रहिए, खुश रखिए, केवल खुश रहिए नहीं, खुश रखिए भी, क्योंकि उसी से पॉजिटिविटी जो है वो फैलेगी। और आज जिस तरह से पालिका विनायक हॉस्पिटल ने पॉजिटिविटी फैलाने में योगदान दिया है, इस तरह से हर प्रोफेशन के लोग, जैसे विजय बुधिया जी जैसे देवतुल्य लोग के एफर्ट से कितने परिवार खुशहाल हुए, शिक्षा की तरफ आगे बढ़े, तो उसी तरह से यही पॉजिटिविटी सोच है, यही पॉजिटिव है। इसको लेकर हमें बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उनको बराबर सकारात्मक रहने की प्रेरणा देनी पड़ेगी। और आरजेएस की पूरी टीम आई है, नाम बहुत लंबा हो जाएगा, आरजेएस सूचना केंद्र के प्रभारी जी के साथ सारी टीम मौजूद रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नागपुर में कुमारी प्रियंका सिन्हा, चलो बाबू, मेरा नेनी। कुमारी सावित्री सिन्हा, कौन लिया बाबू?
लिखे दुबे हाँ आपके नाम का ही बना है, सबके नाम का है। पूनम कुमारी आइए अच्छा आप ये विजय मुझे जी उनके लिए भी है हरे कृष्ण अग्रवाल जी उनके लिए भी है आपके लिए भी है आपके लिए मुन्नी कुमारी प्रियंका कुमारी इसके बाद रहिएगा दोबारा लिख गया प्रियंका धीरेन्द्र अग्रवाल जी शिवाजी सिंह जी और ऐसे लोग जिनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया हो उनको या फिर छूट गए होंगे तो बाद में हम लोग करेंगे नाम बता देंगे तो हम लोग बना पाएंगे ऐसे जो है दे दीजिए नाम ये नाम लिख दिया जाएगा हो गया जो प्रेजेंट है ले ले आप अपना नाम ले ले आ जाइए एक तरफ से आप आ जाइए अब सारे बच्चे आ जाइए कौन कौन बचा हुआ है पीयूष आ जाओ मैं सबका नाम पीयूष आ जाए ये मेरा भगना है अभी बहुत अच्छा कर रहा है he did best in the engineering now he is in Singapore sorry Hong Kong में है और मिलने के लिए आया है अपने नाना के पास और कोई लोग बचे क्या जी पलक का हो गया चलिए संतोष जी के लिए हम नाम डाल देंगे बाद में मीनू दी आपके लिए भाई और माँ भी मेरी है उनको क्यों छोड़ना है ना आ जाओ माँ और मुझे लगता है कि यदि पापा कुछ भी कर पाते हैं और हम लोग कुछ भी करते हैं पीछे तो सब कुछ वही है ताकत वही है तेरा तुझको अर्पण है सब आपका ही आपको ही अर्पण किया जा रहा है देव तू ही है आप ये किसको दे दो तपेश तपेश के लिए भाई तपेश आ जाओ तपेश आगे बढ़ो बहुत बढ़िया है हाथ मिलाओ फोटो हाथ मिलाओ थोड़ा देखो हाथ मिलाओ सेकंड करो वेरी गुड वेल डन हैंडशेक हैंडशेक यस बहुत अच्छा
Thank you.